हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कमलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और अभी हम आ चुके हैं लक्ष्मी हीरो शोरूम, जो कि हजारीबाग के झारखंड में अवेलेबल है। और आज इस शोरूम में मैं जिस गाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूं, फ्रंट में आप देख पा रहे हैं ये रही हीरो की पैशन प्लस, जो कि आप न्यू ग्राफिक के साथ देख पा रहे। फ्रंट में जो आप कलर देख पा रहे ये ब्लैक हैवी ग्रे के साथ आप देख पा रहे। तो आज इस वीडियो में मैं पैशन प्लस का इंजन, व्हील, टायर, साथ में गाड़ी की सस्पेंशन, ट्रांसमिशन और ब्रेक, और इसके साथ इलेक्ट्रिकल और डायमेंशन सारी चीज कवर करके बताऊंगा। इसके साथ इस गाड़ी की एक्स शोरूम ऑन रोड क्या पड़ने वाली है, वो सब कुछ इसमें आपको डिस्कस करके बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले बात करेंगे कि पैशन प्लस अगर आप लेने का प्लान करते हैं तो ये सारी कलर में यहां पे आपको मिलने वाली है, जो कि आप यहां पे डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। तो अब बिना देर के चलते हैं गाड़ी के फ्रंट के प्रोफाइल में और स्टार्ट करते हैं कि इस वेरिएंट में आपको कौन कौन सी फीचर्स मिलने वाली है। सबसे पहले आते हैं गाड़ी के फ्रंट के टायर के प्रोफाइल में। तो यहां पे आप टायर देख पा रहे होंगे TBS की आपको टायर मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात की ये नाइलोन की आपको ट्यूबलेस यहाँ पे टायर मिलने वाली है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 80x118 इंच की यहाँ पे अलॉय व्हील मिलती है, जो कि यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग के साथ मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात की ये जो व्हाइट आप टेप देख पा रहे, ये अलॉय व्हील के डिजाइनिंग को काफी एनहांस करने वाली है। और फ्रंट में जो आपको ब्रेक मिलने वाली है, ये आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाली है। 130mm की यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। साथ में यहाँ पे इसकी सस्पेंशन में रिफ्लेक्टर देखो यार, ये आगे से गाड़ी को लुक को काफी एनहांस और प्रीमियम बनाती है। आते गाड़ी के फ्रंट के सस्पेंशन में, तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर वाली आपको सस्पेंशन मिलती है, जहाँ पे आपकी राइडिंग काफी कंफर्टेबल होने वाली है। बात करते हैं गाड़ी के मडगार्ड में, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पियानो ब्लैक कलर के साथ पीछे मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग आने वाली है, जिसकी डिजाइनिंग और इसकी स्ट्रांगनेस यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है। अब आ चुके गाड़ी के फ्रंट के वाइजर में, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो H शेप में 3D वाली आपको लोगो मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे ग्राफिक देखो यार, व्हाइट रेड, साथ में यहाँ पे जो ग्रे के साथ ये ग्राफिक मिलती है, ये वाइजर को काफी एनहांस और काफी प्रीमियम बना देती है। आते गाड़ी के फ्रंट के हेडलैम्प में, तो यहाँ पे आपको रेगुलर बल्ब के साथ रिफ्लेक्टर हेलोजन बल्ब मिलने वाली है, जो कि 35 वॉट की यहाँ पे आपको मिलती है। इसके साथ आप इसके साइड की इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं, काफी प्रीमियम लुक के साथ आने वाली है। एक जो नॉर्मल 100cc की जो बाइक होती है, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे काफी प्रीमियम ये फील करवाती है। साथ में इसकी फ्लेक्सीबिलिटी काफी अच्छी है, तो गिरने वगैरह के बाद जो टूटे का टेंशन होता है, वो चीज यहाँ पे नहीं होनी है। और ये जो टर्न इंडिकेटर है, इसकी जो बल्ब है वो 10 वॉट के साथ आती है। अब आते गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जरूरत की सारी फंक्शन यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले आप यहाँ पे स्पीडोमीटर एनालॉग के साथ देख पा रहे हैं, साथ में एक डिस्प्ले मिलती है। लेफ्ट साइड में आप टर्न इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं, मिडिल में आप पासिंग स्विच आप देख पा रहे हैं, नीचे न्यूट्रल की आप देख पा रहे हैं, अपर में चेक इंजन की, और यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो स्पीडोमीटर मिलने वाली है वो 140, और साथ में यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग होने वाली है। इकोनॉमी जो आपको मिलने वाली है वो 30 से 50 के बीच में यहाँ पे आप गाड़ी जब चलाओगे वो आपको यहाँ पे मिलती है। साथ में यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलने वाली है, ट्रिप मीटर आप देख पा रहे हैं, नीचे ऑटो आप देख पा रहे हैं। इसके साथ जब भी आप इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे i3s ऑन का फंक्शन है। कहने का मतलब है अभी i3s की जो टेक्नोलॉजी ये ऑन है, ऑफ करना है तो ये जो बटन से इसे आपको प्रेस करना है, अभी ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगी। तो जरूरत की सारी फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में गाड़ी में फ्यूल कितनी है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। इसके साथ अगर आप अपने फोन को चार्ज करना है तो यहाँ पे USB पोर्ट मिलने वाली है, जिसके थ्रू आप चलते टाइम पे आप अपने गाड़ी को चार्ज कर पाओगे। अब नीचे आते हैं, बात करते हैं गाड़ी की चाबी की, तो यहाँ पे दो कुछ टाइप की चाबी मिलने वाली, जहाँ पे पीछे हीरो की ब्रांडिंग और आगे हीरो मेंशन आपको होने वाली है। अब गाड़ी के हैंडल बार में आते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर के साथ मिलती है, हीरो की आपको 3D लोगो मिलने वाली है। लेफ्ट साइड में आते हैं तो इसकी आप मिरर आप देख पा रहे हैं, कुछ टाइप की आपको शेप में मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे पासिंग स्विच मिलती है, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर आप देख पा रहे होंगे, और इसकी हॉर्न में आपको सुना देना चाहता हूँ, कुछ टाइप की इसकी साउंड यहाँ पे मिलती है। ओवरऑल बात करते हैं गाड़ी की क्लच की, तो ये काफी अच्छी लाइट वेट के साथ आने वाली है, और इसकी ग्रिप देखो यार, ये काफी अच्छी यहाँ पे ग्रिप मिलने वाली है। अब राइट साइड में आते हैं, तो यहाँ पे सेल्फ की आपको बटन्स मिलने वाली है, और इसकी आपको ब्रेक जो मिलने वाली है वो काफी अच्छी मिलती है। सबसे अच्छी बात की भाई, यहाँ पे जो रियर ब्रेक आप जब भी लगाओगे ना, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाली है। कहने का मतलब है 50-50% में ब्रेक लगने वाली है। अगर आप पीछे भी लगाओगे तो ऑटोमेटिक फ्रंट की भी टायर की ब्रेक लगने वाली है, जिसके कारण आपकी जो ब्रेक है यहाँ पे और भी बेहतर हो जाती है। इस जगह पे i3s की बटन्स आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको प्लेसिंग होने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के फ्यूल टैंक में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पैशन प्लस की जो न्यू आपको ग्राफिक मिलने वाली है, ये देखने में काफी अच्छी लगती है, स्टिकर्स आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे प्लस की आप सिंबल देख पा रहे हैं, जो कि इसे देखने में और भी प्रीमियम बना देती है। साइड के लुक को एनहांस करने के लिए ये जो रेड और व्हाइट के स्टिकर की कॉम्बिनेशन दी गई है, ये देखने में साइड के प्रोफाइल को और भी एनहांस करती है।
साथ में नीचे देखो यार कुछ इस टाइप की लाइनिंग मिलने वाली है, सिल्वर की यहाँ पे स्टिकर्स मिलती है जो कि काफी अच्छी लगने वाली है। फिलहाल अब बात करते हैं गाड़ी की फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे 11 लीटर कैपेसिटी के साथ आने वाली है। इसकी जो फ्यूल कैप है वो आपको सिल्वर के साथ मिलने वाली है और यहाँ पे आप देख पा रहे E20, कहने का मतलब है अब जो गाड़ी आने वाली है वहां पे पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% होने वाली है और इससे ये पता चलता है कि ये जो गाड़ी है ये न्यू लॉन्च वाली गाड़ी है। अब आते हैं गाड़ी के नीचे के प्रोफाइल में, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेग गार्ड ब्लैक कलर के साथ मिलने वाली है, साथ में प्रोग्राम FI आपको इंजन मिलती है उसकी आपको यहाँ पे ब्रांडिंग होने वाली है, साथ में ये क्रोम फिनिशिंग के साथ और भी एनहांस लगने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की इंजन की, तो ये मैट ब्लैक कलर के साथ और यहाँ पे आप देखो यार पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिलने वाली है, यहाँ पे 3D की हीरो की ब्रांडिंग। और इसकी चैन कवर की बात की जाए तो ये मेटल के साथ आपको नहीं मिलती है, ये फाइबर के साथ मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे i3S की आप स्टिकर्स देख पा रहे होंगे, आगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको सिंगल हॉर्न मिलने वाली है। और साथ में आप बात करते हैं गाड़ी की इंजन की, तो यहाँ पे एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक की इंजन आपको मिलने वाली है जो कि 97.2 cc की यहाँ पे आपको इंजन मिलने वाली है। इस इंजन से बात करते हैं मैक्सिमम पावर की, तो यहाँ पे 7.9 PS का पावर जनरेट होने वाली है वो भी 8000 RPM मीटर में। और इसमें जो मैक्सिमम आपको टॉर्क मिलने वाला है वो 8.05 Nm आपको टॉर्क मिलने वाली है वो भी 6000 RPM मीटर में। तो इसकी जो पावर पिकअप है वो काफी अच्छी मिलने वाली है। अब आते हैं इसके गियर्स में, तो यहाँ पे 4 गियर्स आपको मिलने वाली है, साथ में इसकी जो फुटपेस्ट है ये आपको फोल्डेबल मिलने वाली है, इसकी जो पिलियन वाली है वो भी यहाँ पे आपको फोल्डेबल मिलती है। साथ में आप इसकी मेन स्टैंड आप देख पा रहे और यहाँ पे जो साइड स्टैंड मिलने वाली है यहाँ पे आप देख पा रहे साइड स्टैंड कट ऑफ की फीचर्स यहाँ पे मिलती है। साथ में अब बात कर लेते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे 168 mm आपको मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जो सीट हाइट आपको मिलने वाली है वो 790 mm के साथ मिलने वाली है, तो आराम से इस गाड़ी में अगर छोटे लोग भी होंगे तो आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे, उनकी जो पैर होगी वो जमीन तक पूरी तरह से पहुंच पाएगी, तो इसकी सीट हाइट यहाँ पे काफी अच्छी मिल रही है। अब बात करते हैं गाड़ी की सीट की, तो यहाँ पे इसकी जो सीट की कंफर्ट है ये काफी अच्छी मिलने वाली है, राइडिंग जो कंफर्ट है ये काफी अच्छी यहाँ पे बेहतर बना देती है। और यहाँ पे इसकी सीट की डिजाइनिंग देखो यार ये काफी प्रीमियम के साथ मिलती है। साइड से आप लेडी फुटपैड आप देख पा रहे होंगे और उसकी प्रोटेक्टर आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसकी जो पीछे की जो सस्पेंशन मिलने वाली है वो 5 स्टेप एडजस्टेबल के साथ मिलने वाली है जो कि यहाँ पे ट्विन ट्यूब के साथ मिलने वाली है। इसकी सस्पेंशन काफी अच्छी मिलने वाली है भाई, जर्क वगैरह आपको ऐसा ये फील करवाने नहीं देगा। इस गाड़ी से अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं ना तो इसकी सस्पेंशन आपको जर्क वगैरह फील नहीं होने देती। अब यहाँ पे देख पा रहे तो सीट को ओपन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं यहाँ पे चाबी के थ्रू, और यहाँ पे कुछ कैरी करना है तो आप यहाँ पे कुछ कैरी कर पाओगे, काफी अच्छी यहाँ पे आपको एक हुक मिलने वाली है। अब साथ में बात करते हैं इसकी सीट कॉल की, तो यहाँ पे हीरो की स्टिकर्स मिलने वाली है, वही आपको रेड एंड व्हाइट कलर का यहाँ पे स्टिकर्स मिलती है जो कि काफी प्रीमियम फील करवाती है। साथ में पीछे आपको हीरो की स्टिकर्स मिलने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की ग्रेबरेल की, तो यहाँ पे आपको सिंगल ग्रेबरेल आपको मैट ब्लैक कलर के साथ मिलती है। अब आ चुके गाड़ी के बैक के प्रोफाइल पे, तो सबसे पहले इसकी बैक लाइट देखो यार, हालांकि ये रेगुलर बल्ब के साथ मिलती है लेकिन एज ये आपको LED की फील करवाने वाली है। नीचे आप रिफ्लेक्टर देख पा रहे, इसकी टर्न इंडिकेटर और पीछे की आप इसकी डिजाइनिंग देखो यार काफी प्रीमियम फील करवाती है। साथ में नंबर प्लेट आपका यहाँ पे होने वाली है, हालांकि इसमें आपको नंबर प्लेट की लाइटिंग नहीं मिलती है। अब आते हैं गाड़ी के पीछे के टायर में, तो यहाँ पे TBS आपको टायर मिलने वाली है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 80x100 18 इंच की अलॉय व्हील मिलने वाली है। ये जो टायर है वो नायलॉन की ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साथ में पीछे इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग के सिस्टम मिलने वाली है और यहाँ पे इसकी ब्रेक वाली आप लीवर देख पा रहे यार, तो क्रोम के साथ मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे एक आपको गार्ड मिलने वाली है जहाँ पे आपको कैथोलिक कन्वर्टर से प्रोटेक्ट करने वाली है, और इसके साथ इसकी कैथोलिक कन्वर्टर में भी एक यहाँ पे गार्ड दी गई है, कुछ उस टाइप की कवरिंग की गई है। अब आते हैं गाड़ी के एग्जॉस्ट में, तो यहाँ पे जो इसकी मफलर मिलने वाली है वो क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलती है जो कि राइड के फेंडर को काफी इनहेंस करने वाली है। और सबसे अच्छी बात की गाड़ी को किक से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप दोनों के थ्रू कर पाओगे। हालांकि ये काफी अच्छी बात है कि गाड़ी के राइट साइड में एक आपको टूल बॉक्स मिलने वाला है जहाँ पे गाड़ी की रेंज टूल किट्स और साथ में फर्स्ट एड की जरूरत की सारी चीज यहाँ पे आप अंदर में कैरी कर पाओगे, और इसकी लॉकिंग वाली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इधर भी आपको क्रोम के साथ डिजाइनिंग मिलने वाली है और यहाँ पे प्रोग्राम FI के स्टिकर्स मिलती है। अब बात करते हैं कि अगर आप हीरो की पैशन प्लस अगर आप लेते हैं तो इसकी जो एक्सोरूम पड़ने वाला है वो 77,661 के आसपास पड़ने वाली है, और इसे अगर आप हजारीबाग हीरो लक्ष्मी शोरूम से लेने का प्लान करते हैं जो कि झारखंड में अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको 93,812 के आसपास इसकी ऑन रोड पड़ने वाली है। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का सारा फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया। तो अगर एक 100 cc की एक ऐसी बाइक लेने का प्लान करते हैं जहाँ पे जरूरत की सारी फीचर्स साथ में गाड़ी की जो ग्राफिक है लुक है वो काफी अच्छी लगे, एट्रेक्टिव लगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 90 से 92 हजार की कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे
रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं जहाँ पे जरूरत की सारी फीचर्स मिलने वाली है। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।